सो हेलो एवरीवन, बहुत ही बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है कि जो चीतास है उनको वापस से हम इंडियन लैंड में ले आए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन लैंड वेलकम्स चीता, दैट इज आफ्टर 7 लॉन्ग डिकेड्स, 70 सालों बाद ये चीज पॉसिबल हुई है। चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। इनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से 130 किलोमीटर पर आवर तक होती है। लाइक दे आर द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एवर नोन। देन एक और फैक्ट है जो फन फैक्ट है काफी, ये भले ही कैट फैमिली को बिलोंग करते हो पर चीतास रोर नहीं कर सकते जैसे कैट्स पर करते हैं, जैसे कैट्स मियाओ करते हैं, ये उसी तरीके से रोर करते हैं। दे कैन नॉट रोर लाइक लायंस एंड टाइगर्स। सो दैट्स द फैक्ट। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 चीता को हमने रिलीज किया है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 सितंबर को तो 8 जो चीता थे वो हमने लाया है। नामीबिया से ये एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका में आप देख सकते हो लोकेशन, यही एयरक्राफ्ट है जिसमें ये चीताओं को अच्छी तरीके से यहाँ पर लाया गया। अपार्ट फ्रॉम इट, अब इस सेंचुरी में 2 एलिफेंट्स को रखा गया है ताकि वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करवा पाए इन चीतास को। उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है, जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए आपके लैंड से उनको वापस से उस प्रोसेस में उस तादाद में वापस से लाना, बट पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे जारी है। क्या क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता हमारे लैंड से? तो बिकॉज प्राइमली आपको पता होगा कि सारे किंग्स की बहुत ही ज्यादा शौक होता था हंटिंग, तो जो हैबिटेट लॉस है झाड़ कटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से या एक्सेसिव हंटिंग के वजह से हमने ये स्पॉटेड एनिमल्स को खो दिया था। वापस लाने से क्या होगा इनको? इनको वापस लाने से जो ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है जहाँ पे चीता रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज इंडिया में वापस से हमें देखने के लिए मिलेगी। और जो एक चीज थी हमारे पास, जैसे कि कोई कोई खोई हुई चीज जैसे इंडिया को वापस मिल जाए, ये उस तरीके की फीलिंग है। थैंक यू सो मच।